किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया होगा, उसने मेरा इंसल्ट किया होगा, उसने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया होगा, पता नहीं कौन से कंडीशन में वो सामने वाला है। होता क्या है कि ऐसे इसमें एक तो हम रिएक्ट करते हैं और सामने वाला बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हम वहां से भाग जाते हैं, हम वो व्यक्ति को टालते हैं, हम वहां से संन्यास लेंगे नहीं, अपने को होना ही नहीं हो, हम उसके कंपनी में जाएंगे नहीं। और फिर एक अपना उसके साथ का जो रिश्ता है उसमें कड़वापन आ जाता है। इसमें होता क्या है कि जब वो व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है, मैंने रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मैंने मेरे मन को शांत करना चाहिए। मैं जब शांत करूंगा मेरे मन को, सोचूंगा, मेरा मन कंट्रोल में रखूंगा कि वो उसने जो भी किया, हो सकता है वो बीमार है इमोशनली, हो सकता है कि उसकी स्थिति बराबर नहीं है, हो सकता है कि उसको किसने और कुछ बोला होगा, पता नहीं वो कौन सी स्टेट से गुजर रहा है, तो मैंने उसका इंसल्ट क्यों इतना लेना है। एक्चुअली होता क्या है कि उसने जब मुझे कुछ बोला और मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने माफ करना चाहिए। माफ किसको करना चाहिए? माफ मैंने मेरे को करना चाहिए। वो कैसे? लोग बोलते नहीं उसको माफ करना, नहीं उसको नहीं, मैंने मुझे माफ करना चाहिए। मुझे माफ करना ये कैसा होगा भाई? देखो, मुझे इंसल्ट लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे मेरा अच्छा लगना, मेरा इंसल्ट होना, ये किसके कंट्रोल में हो गया? उसके कंट्रोल में हो गया। इसका मतलब मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब मैं वीक हूं, इसका मतलब मैं पावरफुल नहीं हूं। तो मैंने मुझे माफ करना चाहिए कि ठीक है मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, माफ कर दिया है तेरे को। अपने आप को माफ करना सीखो, फॉरगिविंग योर सेल्फ कि मैंने माफ कर दिया, क्योंकि इंसल्ट जो है वो इंसल्ट मैंने मेरा होने दिया, मैंने वो इंसल्ट करवा के लिया। महात्मा गांधी बोलते थे, नोबडी ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कैन मेक मी एंग्री बिकॉज आई हैव नॉट गिवन परमिशन टू एनीवन। ये दुनिया में मुझे कोई भी गुस्सा दिला नहीं सकता क्योंकि मैंने वो परमिशन किसको दी नहीं है। तो फिर सवाल ही कहां आता है? यदि मैं गुस्सा करता हूं, मेरा इंसल्ट होता है, मैं डाउन होता हूं, मैं डिप्रेस होता हूं, तो मैंने मुझे माफ करना चाहिए। वो सामने वाला कितना वीक होगा, सामने वाला कितना दर्द में होगा, वो क्या हाइड करता है पता नहीं है। क्या होता है कि आदमी जोर से क्यों चिल्लाता है, आंग पे क्यों आता है, फिजिकली क्यों अब्यूज करता है, बताता क्यों है बाहर? क्योंकि अंदर से बहुत खोखला है, अंदर से कमजोर है। जो आदमी अंदर से कमजोर है, जो आदमी बातचीत नहीं कर सकता, जो आदमी कॉन्वर्सेशनल टॉक नहीं कर सकता, बातचीत में सुसंवाद करके वो चीज नहीं सॉल्व कर सकता, तो वो गुस्सा कर लेता है क्योंकि उसके पास में उतनी बुद्धि नहीं है कि वो आपको समझा सके, आपसे बात कर सके। फिर वो एकदम गर्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ही बार, कि एक आधे व्यक्ति के साथ में उसकी इतनी बुद्धि नहीं है और आप उसके साथ में आर्ग्यूमेंट करना चालू करो, वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है उतना, या आपको आप समझाना चालू करो उसको, वो नहीं समझ रहा है, उसकी इतनी बुद्धि नहीं है समझने की। फिर क्या करता है वो? गुस्सा करता है, एकदम अपसेट हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। हाँ, मेरे को मत सुनाओ, मालूम है तुमको बहुत आता है ऐसा कुछ, तो भी वो आपको जोर से बोलेगा, आपका इंसल्ट कर देगा, क्योंकि अंदर से खोखला है। आपने वो सोचना चाहिए, अरे वो पावरलेस है, उसकी बुद्धि उतनी है, उसकी बुद्धि लिमिटेड है, वो गर्म हो रहा है, इमोशनली अपसेट हो रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, मैंने मेरा दिमाग शांत रखना चाहिए। और यदि मैं गुस्सा करता हूं, मुझे इंसल्टेड फिर होता है, तो मैंने मुझे फॉरगिव करना चाहिए, उसको नहीं, वो जैसा है वैसा है, उसको मैं कंपैशन रखता हूं, उसके साथ में करुणा रखता हूं, प्यार रखता हूं, और प्यार से उसको अपनाता हूं, तो आपके रिश्ते बहुत बढ़िया बन जाएंगे। आपको दूर नहीं भागने का है लोगों से, आपको अवॉइड नहीं करने का है, बल्कि उनको पास में लेना है, झप्पी लगाने का है, अपने पास लेके उसको समझाने का है, प्यार करने का है, और उसको बड़ा बनाने का है। इसमें आपको बहुत प्यार आ जाएगा, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, आप बहुत शांत स्वभाव के बन जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।
मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।